ये है रेडियो राक्षस राक्षस। रेडियो राक्षस आपका स्वागत करता है। रेडियो राक्षस नमस्कार। रेडियो राक्षस के संग गपशप के इस अंक में आपका अभिनंदन। बड़े दिनों से शिक्षकों की व्यथा कथा सुनने में आ रही हैं। एक तो कोरोना वायरस के महामारी से सब डरे हुए थे और लॉकडाउन के दौरान मानसिक प्रताड़ना अलग से, लेकिन साथ ही साथ शिक्षकों को हाकिम हुकूमों की दादागिरी भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में देखने में दो खास पहलू आया है। एक ये कि सब तरफ ऑनलाइन क्लासेस होने लगे, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय सब जगह शिक्षकों ने आज्ञा का पालन किया, और दूसरा पहलू ये कि वेबिनार की एक आंधी आई और छा गई। यहां तक कि नव उदारवाद के विरोधी शिक्षा पर लिखने बोलने वाले भी भीड़ चाल में घुस गए। कहने सुनने को तो वो शिक्षा के बारे में लिखते रहते हैं, लेकिन उनका अपना कोई विचार नहीं दिखाई पड़ता इन मामलों को लेकर। उनको कोई परेशानी शायद नहीं है ये अभी जो व्यवस्था शिक्षा की बनी है, खास करके लॉकडाउन के दौरान। इन्हीं सब खबरों की उहापोह में बहुत दिनों के बाद राक्षस महोदय के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला नहीं, फिर से खटखटाया, नहीं खुला, तो थोड़ा सा धक्का मारा और वो खुल गया। सामने रेडियो राक्षस कंप्यूटर पर लगे थे। गर्दन मोड़ कर उन्होंने मुझे देखा और चुप रहने का इशारा किया। फुसफुसा कर उन्होंने कहा, राक्षसों का वेबिनार चल रहा है, बाद में बात करूंगा। मैं भौचक्का रह गया। राक्षस भी? मैं दबे पांव बालकनी में चला गया और अपने आप से ही बातें करने लगा। बताइए, राक्षस भी वेबिनार में लगे हैं। वेबिनारों की ऐसी आंधी आई है कि कोई गिनती करने बैठे तो एक धमाका हो जाए। भारत में कोविड पॉजिटिव से ज्यादा वेबिनार हो गए लॉकडाउन के दौरान। आखिर क्यों? माना कि हिंदुस्तानी आर्गुमेंटेटिव होते हैं और उनका प्रखर बुद्धि विवेक उन्हें कभी चुप रहकर चिंतन मनन करने नहीं देता। लेकिन क्या वेबिनारों की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि का संबंध महज हमारे अत्यधिक बोलने की आदत से है? संभवतः कुछ और भी भेद है इन कुकुरमुत्ते की तरह फैलते वेबिनारों के पीछे। टिड्डियों का आक्रमण भले ही नाकामयाब हो गया हो, एक भी वेबिनार आयोजन असफल नहीं है। इतिहास में शायद प्रबुद्ध भारत नतमस्तक होगा कोरोना के आगे। आखिर उन्हें वेबिनार सरीखा नया औजार जो मिल गया। ऐसा नहीं है कि माध्यम कुटिल है, बेचारा वेबिनार भी वैसे ही है जैसे स्मार्टफोन। चालाक इंसानों के हर एक खेल में एक जरिया, चाहे महानगर हो या मुफस्सिल या गली कस्बा, सब जगह विद्वजनों की होड़ लगी है। मौका न निकल जाए, दिखते रहना है चाहे जैसी भी स्थिति हो। व्यवसाय चलते रहे, लोग मरे मारे कटे काटे, चाहे पूरी कायनात खतरे में हो, वेबिनार है ना। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, द शो मस्ट गो ऑन, कारोबार चलते रहना चाहिए। सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप उनको टोकेंगे तो वो कहेंगे, अजी विकल्प ही क्या है। शायद सचमुच विकल्प नहीं है, या हमें ऐसी व्यवस्था की आदत हो चुकी है कि हमें विकल्प शब्द सुनाई भी नहीं पड़ता। हम कभी ढूंढना भी नहीं चाहते, ढूंढ सकते हैं लेकिन ढूंढना नहीं चाहते। आराम की जिंदगी किसे पसंद नहीं। तभी राक्षस महोदय खांसी करते हुए बाहर आए और मुझे अंदर बुलाया और बोले,
कैसे आए? जल्दी बताओ, कुछ देर बाद फिर एक वेबिनार है। मैंने कहा, क्या बताया जाए भाई? राक्षस महोदय, सब तरफ वेबिनार पर कोरोना एक्सपर्ट बनने की होड़ लगी है। अजी, पड़ोस वाले अरोड़ा साहब भी कह रहे थे, वो भी एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें वो विचार करेंगे कि कोरोना से बचने के लिए दारू में कितना पानी मिलाकर पीना चाहिए। राक्षस महोदय की ये हंसी मुझे जरा भी खिसियानी नहीं लगी, लेकिन मेरा मुद्दा थोड़ा और बड़ा है। बहुतेरे शिक्षकों ने बताया कि ऑनलाइन क्लास भी किसी वायरस से कम नहीं। सब तरफ से एक ही तरह के किस्से सुनाई पड़ रहे हैं। उनमें से एक मुझे बड़ा प्रिय है। लॉकडाउन के एक हफ्ते गुजरने के बाद एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने अपने सभी कारिंदों, डिपार्टमेंट प्रमुखों और वरिष्ठ प्रोफेसरों की एक बैठक बुलाई। जाहिर है बैठक जूम पर होना था। सब समय पर बैठक में उपस्थित हुए। सबके कैमरे और साउंड बंद थे, बस वाइस चांसलर ही पूरे कंप्यूटर स्क्रीन के बीचों बीच विराजमान थे। नेक टाई और जैकेट पहने, मुंह पर मास्क लगाए, पलक झपकते ही महोदय ने दहाड़ मारी, सब अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए। एक मित्र जो समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने झट से आज्ञा का पालन किया। करे क्यों ना, आमतौर पर समाजशास्त्री लोग बड़े आज्ञाकारी होते हैं। वैसे वो जैसे ही स्क्रीन पर दिखे, महामहिम ने फिर से दहाड़ मारी, तुमने अपना मास्क क्यों नहीं पहना है? जाओ पहन के आओ। बाकी सब जो बैठक में आए थे, अब स्क्रीन पर बिना मास्क के दिख रहे थे, उन सब ने हड़बड़ाकर जो कपड़ा हाथ आया उसे अपने मुंह में लपेट लिया, ठूंस लिया। अलबत्ता सबने सोचा कि स्क्रीन पर मास्क पहनने का क्या दुख। बहरहाल बैठक आगे बढ़ी। महामहिम ने फरमान दिया, कोई बैठा नहीं रहेगा लॉकडाउन के दौरान, सब वैसे ही होता रहेगा जैसे चल रहा था, बस अब सब ऑनलाइन होगा। किसी ने किंतु परंतु लगाने की बेकार कोशिश की, लेकिन महामहिम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ सब लोग वेबिनार के लिए वाइस चांसलर को अर्जी डालेंगे, जिनकी भी अर्जी मंजूर होगी वो सब वेबिनार करेंगे। मुंह में मास्क लगाए समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष ने कहा, हुजूर, वेबिनार करने के लिए अर्जी क्यों डालें और आप क्यों अपना समय बेकार करें? आप तो सब विषयों को समझ भी नहीं पाएंगे। महामहिम दहाड़े, क्या बकवास करते हो? हम वाइस चांसलर हैं, हम सब जानते हैं। बाकी सभी बैठक मेंबरान ने गर्दन हिलाकर सहमति दी। यही तो करते रहे हैं हमारे वरिष्ठ प्रोफेसरान, गर्दन हिलाकर सहमति। राक्षस महोदय भी ठठाके हंस पड़े और उनके ठहाके के बीच जैसे कोई एक दीप जल उठा। ये पाखंडी यूनिवर्सिटी वाले जिसे छूते हैं कचरा कर देते हैं। क्या बताएं, क्या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, क्या केंद्रीय या राजकीय, सभी विश्वविद्यालयों में, शिक्षकों में ईमेल पर धमाकेदार योजनाबाजी चल रही है। प्रिंसिपल, हेड, डीन, वाइस चांसलर के कारिंदे सब ने कहा है, योजना बनाओ। एक प्रोफेसर ने योजना बनाई। अजी, योजना क्या थी? समझिए कि वेबिनार मानसिकता का पोल डांस जैसा कुछ था। जैसे किसी ने पोल से लिपट लिपट के सब ऑनलाइन क्लास के गुणगान कर रहे थे। सब पहले जैसा ही था। उसमें पाठ, पाठ्यक्रम एवं पठन पाठन की पद्धति सब पुराने वाले ही थे। किसी कोर्स करिकुलम में कोई परिवर्तन नहीं था। तुर्रा ये कि उसमें मूल्यांकन की भी व्यवस्था भी वही पुरानी वाली थी। सब कुछ ऑनलाइन खाली कर दिया गया था। किसी ने यहां तक तय कर दिया था कि अटेंडेंस भी लिया जाएगा और जो विद्यार्थी 70-80% से कम उपस्थिति दर्ज कराएगा उसे सजा भी मिलेगी और इम्तिहान भी पहले ही जैसा होगा। और जैसे क्रूरता में कहीं कोई कमी न रह जाए, यह भी तय कर दिया गया कि वेब पर ही सेमिनार, कॉन्फ्रेंस आदि हो जाया करेंगे। सब पहले जैसा ही, ताकि अंत में अगर कहीं कोरोना वायरस से बच गए तो पदोन्नति में, प्रमोशन के गणित में कहीं कोई पिछड़ न जाए,
किसी ने हिम्मत जुटा के टोका, माई बाप जरा सोच लें, शायद कोई सचमुच वैकल्पिक व्यवस्था हो, शायद यही अवसर है कि उच्च शिक्षा से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका इलाज ढूंढा जाए। एक बड़े ही तीसमार खां प्रोफेसर ने तपाक से कहा, विकल्प किसे चाहिए बे, हमें तो बस सिस्टम चलाना है, और विकल्प पर चर्चा तब हो जब हमारी जिंदगी खतरे में ना हो। और दूसरे प्रोफेसर साहब जो मार्क्सिस्ट भी हैं और शिक्षा पर काम भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, उन्होंने झट से कहा, यूनिवर्सिटी सिस्टम में विकल्प नहीं हो सकता, विकल्प चाहिए तो कहीं और जाओ। जैसे अच्छी जिंदगी तभी संभव है जब पूंजीवाद का सर्वनाश हो जाए, अन्यथा अच्छी जिंदगी की कल्पना भी बेवकूफी है। बहरहाल ये भी जान लें कि ये प्रोफेसर साहब लोग आमतौर पर उच्च शिक्षा और बड़े सुंदर आलोचनात्मक टीका टिप्पणी के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो सारे क्रांतिकारी विचार न जाने किस बैंक के किस लॉकर में रखाते हैं ये सब। ये भी बता दें कि इस प्रकार के तथाकथित सिद्ध विद्वानों का बड़ा अच्छा जमावड़ा लगा रहता है इन दिनों वेबिनारों पर। वो थकते नहीं इन वेब स्पेस में अपनी मेधावी प्रगतिशीलता का जी तोड़ प्रदर्शन करने से, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आती है तो वो सब दो मुंहे सांप हो जाते हैं। और क्यों ना हो, आखिर उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, कोई डीन तो कोई प्रो वाइस चांसलर बनना चाहता है, और कोई तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने के लिए मरा जा रहा है। अजी राक्षस महोदय, क्या बताएं, इन दिनों एक शिक्षक बन के कोई नहीं रहना चाहता, और अगर किसी शिक्षक ने हिम्मत करके कुछ आलोचनात्मक कह दिया तो उसकी खैर नहीं, उसके पीछे ये सब के सब उनके सहकर्मी भी हाथ धोकर ऐसे पड़ जाते हैं जैसे क्या बताएं, अब क्या ही बताएं, अब मत पूछिए, अब मुंह ज्यादा मत खुलवाइए। ज्यादातर शिक्षक या तो चुप रहते हैं या फिर हाकिम प्रोफेसरों की हां में हां मिलाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ऐसे में वेबिनार एक अनोखा उत्सव हो गया है, आखिर क्यों ना हो। उत्सवों की आड़ में तो सत्ताधारी दल भी अपनी विफलताओं को छुपाते हैं, वही तो कर रहे हैं उच्च शिक्षा के कर्ता धर्ता भी। फिर तो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, लड़ो, लड़ते रहो, लड़ना के मर जाओ, लेकिन लड़ना बंद मत करो। इसमें कोई गाना वाना बजेगा क्या? गाना नहीं। रेडियो राक्षस, टार्जन मत बन।